क्लास 12 बायो वाइवा पार्ट 3। जी हाँ, अगर आप इस साल कक्षा 12 में बायो का वाइवा देने जा रहे हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। बायो के वाइवा का यह पार्ट 3 है। इससे पहले हमने बायो के वाइवा के पार्ट 2 बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में वो है, आप जाकर वहाँ से देख लें। आज के इस वाइवा क्वेश्चन में हम आपको कुल 5 प्रश्न बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना इस बार भी है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, वायु में पाए जाने वाले छोटे छोटे कणों को किस नाम से जानते हैं? वायु में पाए जाने वाले छोटे छोटे कणों को किस नाम से जानते हैं? तो पार्टिकुलेटेड जो मैटर है, इस नाम से जाना जाता है, पार्टिकुलेटेड मैटर। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर है, वायुमंडल में जलवाष्प की सांद्रता बढ़ाने वाली विधि का नाम बताइए। वायुमंडल में जलवाष्प की सांद्रता बढ़ाने वाली विधि का नाम बताइए। तो ऐसी कौन सी विधि है जिससे वायुमंडल में जलवाष्प की सांद्रता बढ़ती है? तो सबसे पहला नंबर है संवहन, दूसरा दहन, तीसरा श्वसन और तो चौथा आपका है वाष्पीकरण। इनसे वायुमंडल में वायुमंडल के जलवाष्प की सांद्रता बढ़ती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहां प्रश्न में गलती से युगलीन लिख दिया गया है जबकि युगलेना होना चाहिए। तो युगलीना का शरीर किस आवरण द्वारा ढका होता है? जो युगलीना होता है उसका शरीर किस आवरण द्वारा ढका होता है? तो आपका जो आंसर है वो है कि युगलीना का शरीर पतले पेलिकल आवरण द्वारा ढका रहता है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चौथा वाला जल्दी से देख लेते हैं। वाल्वाक्स में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? वाल्वाक्स जो है एक मतलब जीव है, उसमें प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो वाल्वाक्स में प्रजनन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों विधियों द्वारा होता है। देखिए, एग्जामिनर वैसे ही क्वेश्चन पूछता है जिसमें से थोड़े से डाउट रहे। जैसे देखिए, जनन दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक एक अलैंगिक। तो लैंगिक वाले जीव एक तरह के होते हैं, अलैंगिक वाले एक तरह के। लेकिन अब वाल्वाक्स जो है ये दोनों तरह का प्रजनन देता है, इसलिए यह पूछे जाने की संभावना इस पर बन जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूलोथ्रिक्स की सबसे नीचे की कोशिका कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, यूलोथ्रिक्स की सबसे नीचे की कोशिका क्या कहलाती है? स्थापनांग। ठीक है, होल्ड फास्ट इसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में ये 5 क्वेश्चन हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम मोटिवेट होकर वाइवा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी सब पर वीडियो लगातार आपको देते रहें जब तक आपकी परीक्षा हो रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं एक बार फिर से कहूँगा, लाइक जरूर करके जाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।